हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स का। हमारे देश में जो भी धार्मिक आंदोलन हुए हैं, जो भी धार्मिक सामाजिक सुधार हुए हैं, उन पे हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल के किसी भी वनडे एग्जाम के पेपर को निकाल लेंगे तो उसमें आपको PYQs में ये पर्टिकुलर टॉपिक जरूर देखने को मिलेगा। Part 1 डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में, आत्मी सभा, ब्रह्मो समाज के बारे में, ब्रह्मो समाज के स्प्लिट के बारे में डिस्कशन किया था। फिर हमने सेकंड पार्ट भी डिस्कस कर लिया है, जहां पे हमने सत्यशोधक समाज के ऊपर डिस्कशन किया था, हमने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले पे डिस्कशन किया था विद PYQs, और आज आपका थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट में हम बेसिकली आर्य समाज के बारे में बात करेंगे, प्रार्थना समाज के बारे में बात करेंगे, यंग बंगाल मूवमेंट के ऊपर डिस्कशन करना है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ नया आपको विद PYQs देखने को मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन भी पूछते रहूंगे मैं, जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके है जी, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। अगर पहले के 2 वीडियो नहीं देखे तो मेरा सजेशन है, ठीक है, आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर बातें आपके टू द पॉइंट बातें ही आपको यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं। इसके अलावा इसकी PDF, सो PDF के लिए आप सिंपली मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च कर लीजिएगा एक बार टेलीग्राम पे, पूजा जैन CA247। ओके है, तो आप बिल्कुल ईजिली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे आर्य समाज के बारे में, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने की है। तो पहले हम कुछ बेसिक बातें दयानंद सरस्वती जी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आर्य समाज को देख लेंगे। तो दयानंद सरस्वती जी का ओरिजिनल नाम क्या था? तो मूल शंकर। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? मूल शंकर आपको देखने को मिलेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को, 12 फरवरी 1824 को होता है गुजरात में, ठीक है। स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें नाम दिया था दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया है? तो स्वामी पूर्णानंद ने नाम दिया है। इन्होंने बेसिकली वेदों का ज्ञान अर्जित किया था, और इनका एक बहुत ही फेमस स्लोगन है, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। इनका कहना था कि आइडल वर्शिप में कुछ भी नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा को इन्होंने ना करने की बात कही। इन्होंने कहा कि सारा जो ज्ञान है वो हमारे वेदों में है, इंसानों की जो भी समस्याएं होती हैं उस समस्याओं का हल वेदों में है, तो यहाँ पर हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए। ये बात किसने कही है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कही है। इतनी बड़ी बात अगर ये कह रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इन्होंने टीचिंग ली होगी, वेदों का ज्ञान अर्जित किया होगा, तो बिल्कुल सही बात है। ही लर्न अबाउट द वेदास फ्रॉम द स्वामी विरजानंद। तो स्वामी विरजानंद जी से आप कह सकते हैं कि स्वामी विरजानंद जी टीचर थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के, जिनसे इन्होंने वेदों का ज्ञान अर्जित किया, और स्वामी पूर्णानंद जी ने इन्हें मूल शंकर से नया नाम दिया था दयानंद सरस्वती का, ठीक है। इसके अलावा दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि मूवमेंट की शुरुआत की थी। बेसिकली हुआ क्या था, आप सभी को पता कि 1813 और 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें मिशनरीज को परमिशन मिल जाती है कि वो भारत में आके अपना धर्म प्रोपगेट कर सकती हैं। तो बहुत सारे हिंदू जो थे वो क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित हो गए थे, कन्वर्जन हो गया था। तो यहाँ पर बोला गया कि आप वापस से हिंदू धर्म में आ सकते हो, और इसके लिए शुद्धि मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी का मूवमेंट था, ठीक है। इन्होंने 1863 में डॉक्ट्रिन ऑफ वन गॉड का प्रिंसिपल दिया था, मतलब भगवान एक है, और ये भगवान एक वाला कॉन्सेप्ट जो है वो तो राजा राम मोहन रॉय जी ने भी कहा था। याद कीजिए, जब मैं राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में आपको डिस्कस कर रही थी तब उन्होंने भी बोला था डॉक्ट्रिन ऑफ वन गॉड, मतलब ईश्वर एक है, भगवान एक है, और इन्होंने कास्ट सिस्टम को खंडित किया है। बेसिकली कास्ट सिस्टम को प्रमोट करते थे लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा, ना कि हमारे बर्थ से। मतलब कोई अगर व्यक्ति टीचर है, शिक्षा देता है, मतलब वो ब्राह्मण है, भले ही वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, चाहे वो शूद्र वर्ग में पैदा क्यों ना हो। तो यहाँ पे जो कास्ट होनी चाहिए वो आपके वर्ण के हिसाब से, मतलब आपके जो कास्ट सिस्टम है वो आपके कर्मा के हिसाब से होना चाहिए, वर्ण सिस्टम, ना कि आपके जन्म के हिसाब से। तो इस तरीके से ये कास्ट सिस्टम को प्रोपोगेट करते थे, ठीक है। इतनी चीजें, बाकी इनका बिलीफ था कि सारा ज्ञान किस में है? सारा ज्ञान वेदास में है, और वेदा में जो भी बातें लिखी गई हैं वो भगवान के द्वारा इंसानों को कही गई बातें लिखी है, तो सारा जो समस्याओं का समाधान है वो वेदों में है, ठीक है। इसलिए इन्होंने गो बैक टू द वेदा ये स्लोगन दिया था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि वेदों में कहीं भी मेंशन नहीं है अबाउट द अनटचेबिलिटी, जो हमारे सोसाइटी में आज छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, तो ये बात कहीं भी वेदों में मेंशन नहीं है। चाइल्ड मैरिज के बारे में वेदों में मेंशन नहीं है, तो इन्होंने ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई थी कि वेदों में तो ये बात लिखी नहीं है,
ठीक है, और हमें आर्यन कल्चर को रिवाइव करना है, तो ये सारी बातें हम नहीं मानते। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी रिफॉर्म करने से ज्यादा इनका फोकस किस पे था, रिवाइव में था। इन्होंने इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने से ज्यादा रिवाइवल पे फोकस किया है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जब इन्होंने कहा है कि वेदों की ओर लौटो, तो जब तक वेद तो संस्कृत में है, जब तक हमें वेदों का ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे कि भगवान ने, ईश्वर ने इंसानों के लिए क्या बातें लिखी हैं वेदों में। तो इन्होंने जो टीचिंग करना शुरू किया है, जो लोगों को टीचिंग करना शुरू किया है, वो हिंदी में किया है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि इन्होंने ही पहली बार हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया था, और इनकी जो टीचिंग्स हैं वो भी आप हिंदी में देखोगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट है जो आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की एक फेमस बुक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती जी पहले पर्सन थे जिन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को अडॉप्ट करो और फॉरेन वस्तुओं को जो है वो बायकॉट करो। तो पहली बार जो स्वदेशी या स्वराज शब्द को इस्तेमाल किया है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है। बाद में आप देखते हो कि 1906 में स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है, वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया है और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज भी रिकॉग्नाइज किया है। इन्होंने 10th of April 1875, ये दिन याद रखना है, 10th of April 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कहाँ पर स्थापना हुई थी? बॉम्बे में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? तो हेडक्वार्टर आपको लाहौर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है, DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी लाहौर में इन 1886। ठीक है, इतनी चीजें। और पहले जो हेडमास्टर थे लाहौर में वो कौन थे? महात्मा हंसराज थे, महात्मा हंसराज। चलिए, ये कुछ बातें हैं अबाउट द आर्य समाज। तो आर्य समाज का कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन देखने को मिलता है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्होंने आर्यन कल्चर, जो भूल चुके हैं आर्यन वैल्यूज को, उसको रिवाइव करने पर ज्यादा फोकस दिया है। उनका मोटो क्या था? तो आप मोटो देख सकते हैं, कृद्वंतो विश्वम आर्यम, ये इनका मोटो आपको देखने को मिलेगा आर्य समाज का। तो आर्य समाज के बारे में कुछ वन लाइनर देखते हैं और फिर हम विवेकानंद जी के बारे में बात करेंगे। ओके है, तो दयानंद वॉज द फर्स्ट टू एडवोकेट स्वदेशी और द रिजेक्शन ऑफ द फॉरेन गुड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। इन्होंने ही हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया था। इन्होंने कहा था कि वेदास आर द बुक ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज। तो ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये स्टेटमेंट किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। सपोर्टेड फोर वर्ण सिस्टम बट द वर्ण सिस्टम शुड बी द बेस्ड ऑन द मेरिट नॉट द बर्थ, ये बात इन्होंने कही है। फिर इंडिया फॉर इंडियंस, भारत केवल भारतीयों के लिए है, ये आवाज भी सबसे पहले किसने लगाई है? तो आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लगाई है। अब यहाँ पे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा है? तो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन जी ने इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। देखिएगा, हर एक जो रिफॉर्मर्स हैं या कोई भी हमारे फ्रीडम फाइटर रहते हैं या कोई भी हमारे पॉलिटिशियन या फिलोसोफर है, उनके सबके अकॉर्डिंगली मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया अलग है। किसी के हिसाब से राजा राम मोहन रॉय जी मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि एस राधा कृष्णन जी के हिसाब से मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। फिर हम बात करेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के अकॉर्डिंगली स्वामी विवेकानंद मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया हैं। तो सबके हिसाब से अलग अलग है। तो आपको याद रखना है किसको किसने क्या टाइटल दिया है। समझ में आया? किसने किसको क्या टाइटल दिया है, क्या बोला है, ये आपको याद रखना है। याद है जब हम छोटे थे और हिंदी के जब पेपर होते थे तो उसमें आता था ना, किसने किसको क्या कहा, वही वाली कहानी है ये। ये याद रखना, क्योंकि हर के हिसाब से कहानी अलग अलग है। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पे इन्होंने वेदों को ट्रांसलेट किया है, क्योंकि जब समाज को वेदों की तरफ लौटाना है तो उसको हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करना भी जरूरी है। तो वेदों को ट्रांसलेट करने का काम किया है। इनका पूरा फोकस कर्मा पे था और एक पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे। ठीक है, इन्होंने आर्य समाज, मतलब आर्य समाज ने 1882 में, आर्य समाज ने 1882 में काउ प्रोटेक्शन एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स अगर हम देखते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सत्यार्थ प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में बनी है और ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है। इसके अलावा वेद भाष भूमिका और वेद भाष्य, ये रचनाएं भी किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की आपको देखने को मिल जाएंगी। अब स्वामी दयानंद जी की जो फिलॉसफी थी उसके कई सारे फॉलोवर्स थे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉलोवर्स अगर हम देखें तो आप देखोगे स्वामी सद्दानंद, मैडम कामा,
ठीक है, इसके अलावा भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, महादेव गोविंद रनाडे, जिनके बारे में थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, इनका एसोसिएशन प्रार्थना समाज से आपको मिल जाएगा। ओके, फिर आप देख सकते हैं राम प्रसाद विस्मित, अशफाक उल्ला खान, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कि इन्फ्लुएंस थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी से, उनकी फिलोसफी से। अब बात करते हैं डेथ के बारे में। तो एक बार महाराजा ऑफ जोधपुर जसवंत सिंह टू के दरबार में जाते हैं, उनके पैलेस में जाते हैं स्वामी दयानंद जी, और उनको वहां पे कोई पॉइजन दे देता है, जहर दे देता है 30th of October 1883 में, और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 59। कहां पर? अजमेर में। ठीक है, डन। तो ये कुछ बातें थी अबाउट द स्वामी दयानंद सरस्वती। नाउ बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, और फिर हम रामकृष्ण मिशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस जी गुरु होते हैं स्वामी विवेकानंद जी के। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी किसके डिस्पाइल हैं, किसके शिष्य हैं? आंसर है रामकृष्ण परमहंस जी के, और ये मॉडर्न इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट माने जाते हैं। एक पुअर ब्राह्मण परिवार में बंगाल में इनका जन्म होता है, और ये चीफ प्रीस्ट होते हैं कहाँ पर? काली टेम्पल एट दक्षिणेश्वर नियर कोलकाता। तो काली टेम्पल दक्षिणेश्वर में ये प्रीस्ट, आपको चीफ प्रीस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बचपन का नाम देखते हैं तो रामकृष्ण परमहंस जी के बचपन का नाम क्या है? गदोधर है, और इनके शिष्य कौन है? स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात किससे होती है? रामकृष्ण परमहंस जी से होती है, जब स्वामी विवेकानंद जी केवल 18 साल के होते हैं, और उसके बाद इनकी लाइफ परिवर्तित हो जाती है। इनकी टीचिंग से, इनकी फिलॉसफी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, और जब रामकृष्ण परमहंस जी की डेथ हो जाती है उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी संत बन जाते हैं, मॉन्क बन जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनका पूरा जीवन आप देखोगे कि रामकृष्ण जी के जो भी टीचिंग्स थी, जो भी प्रीचिंग्स थी, उनको पूरे विश्व में प्रोपोगेट करने में उनका पूरा जीवन चला जाता है। तो बहुत ही कम उम्र में स्वामी विवेकानंद जी की डेथ हो जाती है, अभी हम डिस्कस करेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर है, तो आइए बात करते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा सा बात इन्होंने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये आप लोगों के लिए है, ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ALP एंड आप SSC और डिफरेंट एग्जाम्स हैं, तो बिल्कुल इसको क्रैक करो, और जब तक क्रैक ना कर लो ना, रुकना मत। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी की कुछ बातों को तो हमें अपने जीवन में लाना ही चाहिए, उनमें से एक इंपॉर्टेंट बात आपको स्क्रीन पर दिख रही है। चलो बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12th of January 1863 में कोलकाता में होता है, और याद कीजिए 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेशनल यूथ डे हम स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को ही तो सेलिब्रेट करते हैं। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। फादर का नाम विश्वनाथ दत्त था, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। ठीक है, अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन स्कूल में इनकी प्राइमरी एजुकेशन, मतलब इनिशियल एजुकेशन हुई थी, और उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज गए थे कलकत्ता में। अब इनकी जो एजुकेशन ये मेट्रोपॉलिटन स्कूल में हो रही है ना, और इस स्कूल का स्थापना किसने किया है? तो इसके फाउंडर हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में बात कराई की थी, जिन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट को पास करवाया था लॉर्ड कैनिंग के समय। याद आया 1856 की घटना है। तो इनके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलो हम बात करते हैं अब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ और बातें। जैसा कि मैंने कहा कि 18 साल की उम्र में इनकी मुलाकात रामकृष्ण जी से होती है, और पहला क्वेश्चन पूछते हैं, हैव यू सीन गॉड, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? ये पहला क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद जी का होता है। इनसे मिलने के बाद स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, और जब श्री रामकृष्ण जी की डेथ हो जाती है उसके बाद ये मॉन्क बन जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी, और पूरी लाइफ रामकृष्ण जी के जो भी मैसेजेस हैं, जो टीचिंग है, उसको प्रोपोगेट करने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो इन्होंने योगा एंड वेदांता की फिलोसफी प्रोपोगेट करने का काम किया है। स्वामी विवेकानंद जी को अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच के लिए पूरा वर्ल्ड इनको जानता है। याद कीजिए जब विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था शिकागो में, मतलब पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन हो रही थी शिकागो में, कब? 1893 में। इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने पार्टिसिपेट किया था और अपनी स्पीच को दिया था 11th of September 1893 में,
और ये जो स्पीच है जिसमें इन्होंने हिंदू रिलीजन के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में पूरे सोसाइटी को, पूरे वर्ल्ड को बताया था, जो कि बहुत ही वर्ल्ड की बेस्ट स्पीच मानी जाती है। और इनकी स्पीच को अमेरिकन न्यूज़पेपर ने भी कवर किया था, और अमेरिकन न्यूज़पेपर में यहाँ पर जो हिंदू फिलॉसफी है और स्वामी विवेकानंद जी की फिलॉसफी है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, विच इज़ ऑरेटर बाय द डिवाइन राइट। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, कब की है, 1897 में की है, और 1909 में इसे ऑफिशियली रजिस्टर किया गया है। रामकृष्ण मिशन का अगर हम हेडक्वार्टर देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको बेलूर में देखने को मिल जाएगा। तो बेलूर मठ की स्थापना भी किसने की है, स्वामी विवेकानंद जी ने की है, और बेलूर मठ ही हेडक्वार्टर होता है रामकृष्ण मिशन का। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी अपने जीवन के अंतिम समय भी वेल्लूर मठ में ही गुजारते हैं, और उनकी जो समाधि है वो भी वेल्लूर मठ में ही आपको देखने को मिलेगी। तो वेल्लूर मठ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक शिप का नाम आपको याद रखना है। जब वो शिकागो मतलब शिप यहाँ शिकागो से जब वो मुंबई वापस आते हैं तो जिस शिप में आते हैं उसका नाम है पेनिनसुला। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम कुछ और वन लाइनर डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ और कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहली बात, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने विवेकानंद जी को मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया कहा है। स्वामी विवेकानंद जी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जैसे कि राजयोग, कर्मयोग, जनयोग एंड भक्ति, सॉरी ज्ञान योग और भक्ति योग। तो राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग, ये आपकी पुस्तकें हैं स्वामी विवेकानंद जी की, जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बनी है। ठीक है, इन्होंने वेदांता और योगा की फिलॉसफी पूरे वर्ल्ड को देने का काम किया है। अब यहाँ पे वन लाइनर देखेंगे, फिर हम स्वामी विवेकानंद जी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर अपने अगले रिफॉर्मर को डिस्कस करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। इन्होंने रामकृष्ण मिशन के अलावा रामकृष्ण मठ की स्थापना की, वेलूर मठ की स्थापना की, और वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है, इनकी डेथ 4 जुलाई को हुई थी 1902 में वेलूर मठ में। ठीक है, नेशनल यूथ डे हम एवरी ईयर ऑब्जर्व करते हैं एज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। इसके अलावा महाराजा अजीत सिंह ऑफ द खेतरी, जिनको महाराजा ऑफ खेतरी भी कहा जाता है, इन्होंने ही सजेस्ट किया था कि आप अपना नाम चेंज कर लो, और विवेकानंद नाम दिया गया था 1893 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की डेथ बहुत ही अर्ली स्टेज में हो गई थी, जब ये केवल और केवल 39 ईयर्स के थे। लेकिन यहाँ पर एक आयरलैंड की लेडी थी जिनका नाम था मार्गरेट नोबल, एंड मार्गरेट नोबल पहली बार स्वामी विवेकानंद जी से लंदन में मुलाकात करती हैं और उनकी शिष्य बन जाती हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी की जो शिष्य है वो सिस्टर निवेदिता हैं, जो कि आयरलैंड से हैं, जिनका ओरिजिनल नाम क्या है, मार्गरेट नोबल है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एडजेक्टिव हैज बीन मोस्ट वाइडली यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के लिए आप कौन सा यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करोगे, तो ये वेदांतिक साइंटिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने वेदांत और योगा की फिलॉसफी पूरे वर्ल्ड को दी है। नेक्स्ट है, विवेकानंद इज द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, ये बात किसने कही है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की ये बात है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल वेदांत वॉज। तो यहाँ पर फाउंडर कौन है रामकृष्ण मिशन के, तो हम सभी को पता है स्वामी विवेकानंद जी हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेयर डिड सिस्टर निवेदिता फर्स्ट मीट टू द स्वामी विवेकानंद, तो पहली बार सिस्टर निवेदिता की मुलाकात लंदन में होती है स्वामी विवेकानंद जी से। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हटके है। 1893 में जब स्वामी विवेकानंद जी कैनेडा से जापान जा रहे थे, तो स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात होती है जमशेदजी टाटा से, और जिस शिप में मुलाकात होती है उस शिप का नाम होता है इम्प्रेस। तो स्वामी विवेकानंद जी इनकरेज करते हैं कि हमें भारत में एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, जिसके बाद जमशेदजी टाटा एक हमारे कंट्री में वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट को सेटअप करते हैं। उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, मतलब आपका विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था, किस साल हुआ था, तो 1893 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण जी से मिलते हैं पहली बार, तो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, पूछा जाता है हैव यू सीन गॉड, क्या आपने भगवान को देखा है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न इन कोलकाता इन 12th of January 1863। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम किस दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर नेशनल यूथ डे, ऑप्शन बी। चलिए, अब यहाँ पर
1888 से 1893 के बीच में स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे इंडिया को विजिट किया है, पूरे इंडिया का भ्रमण किया है। और उनके साथ हमेशा तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक तो भगवद गीता थी, एक कमंडल था, और तीसरी कौन सी पुस्तक थी जो हमेशा स्वामी विवेकानंद जी के पास रहती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन PYQ है, आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, ये पुस्तक हमेशा स्वामी विवेकानंद जी के पास रहती थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का मॉन्क बनने से पहले क्या नाम था? तो हम सभी को पता है, नरेंद्रनाथ दत्त, ऑप्शन सी। ठीक है, हु सेड अबाउट स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद सेव्ड हिंदुइज्म, सेव्ड इंडिया, ये स्टेटमेंट किसने कहा है स्वामी विवेकानंद जी के लिए? तो आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी। वही अगेन, किसने किसको क्या कहा वाली कहानी है। फिर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट, जहां पर नरेंद्रनाथ दत्त या फिर स्वामी विवेकानंद जी ने स्टडी की थी, इस इंस्टीट्यूट को किसने स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी। सारी बातें हमने अभी कवर की हैं, राइट। विवेकानंद जी की मदर का नाम क्या था? तो भुवनेश्वरी देवी था, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, 1899 में स्वामी विवेकानंद जी ने बंगाली भाषा में एक जर्नल की शुरुआत की थी, जिसमें रामकृष्ण मिशन के क्या टारगेट है, क्या एजेंडा है, क्या टीचिंग है, उसको बेसिकली लिखना इन्होंने शुरू किया था। तो यहाँ पे जो बंगाली जर्नल है उसका नाम क्या है? नाम है यहाँ पे उद्बोधन, उद्बोधन, ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एक बुक है जिसका नाम है द मास्टर एज आई शॉ हिम, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक लिखी है सिस्टर निवेदिता ने। Where did स्वामी विवेकानंद live during the last year of his death? आंसर क्या हो जाएगा? बेलूर मठ। मार्गरेट नोबल, a disciple of स्वामी विवेकानंद, is well known as, तो सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं इनको, ठीक है, डन। तो ये थी कुछ बातें विवेकानंद जी के बारे में। नेक्स्ट है यंग बंगाल मूवमेंट। तो यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत एक प्रोफेसर ने, एक एंग्लो इंडियन टीचर थे हिंदू कॉलेज में जिनका नाम था दोर्जियो, उन्होंने की थी एट द एज ऑफ 17 यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत। इनका क्या था कि जो ब्रिटिश एरा है, ब्रिटिश एरा में इंडिया के क्या पेन है, जो ब्रिटिश पॉलिसीज है वो क्या इंडियंस के लिए सही है, इंडिया को अपने राइट्स के बारे में, इंडिया के लोगों को अपने फ्रीडम के बारे में, प्रेस की फ्रीडम के बारे में बात हो रही है, अपनी लिबर्टी के बारे में सोचना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बातें करना चाहिए, जो एक्चुअल मुद्दे हैं। तो यहाँ पे यूथ को टारगेट करते हुए यहाँ पर यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जिसमें सारे यूथ आपको जनरली देखने को मिलेंगे, और जो दोर्जियो को फॉलो करते थे उनको दोर्जियन कहा जाता था। ठीक है, इतनी चीजें, एक फ्री थिंकर थे ये, और इंस्पायर थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति से इंस्पायर आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी है, बुक का नाम क्या है आप देखेंगे, टू इंडिया माई नेटिव लैंड, और बेसिकली इसमें इन्होंने इंडिया के पेन के बारे में बताया है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ओके है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की है 1905 में, और हम सभी को पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी पॉलिटिकल गुरु होते हैं महात्मा गांधी जी के। ठीक है, बेसिकली इस ग्रुप में वेलफेयर वर्क पे फोकस दिया गया और ह्यूमन डेवलपमेंट का काम किया गया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी। अब थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, कहाँ पर? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क USA में, अमेरिका में स्थापना की गई थी, क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन थे वो इन्फ्लुएंस थे हिंदू फिलॉसफी में, तो हिंदू फिलॉसफी को प्रोपगेट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो अडयार महाराष्ट्र में, सॉरी मद्रास में, आई एम सॉरी, अडयार मद्रास में शिफ्ट कर दिया गया था, कब? 1882 में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ह्यूमनिटी, जो ब्रदरहुड की भावना है, मानवता की भावना है, उस पर फोकस किया जाता था, और किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उसके सेक्स, कास्ट या कलर को लेके सबको इक्वली देखा जाएगा, ये इसकी बेसिक विचारधारा आपको देखने को मिलेगी। अब डन, अब बात कर लेते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। दो लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, पहली पर्सन है मैडम ब्लावात्स्की जो कि रशिया से बिलोंग करती थी। ठीक है, एंड सेकेंड पर्सन जो अमेरिका से, जिनका नाम है कर्नल ऑलकोट, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, बाद में एनी बेसेंट ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। तो एनी बेसेंट भारत आती है 1893 में, और एनी बेसेंट आयरलैंड से होती हैं, इन्होंने एसोसिएशन को 1888 में ज्वाइन कर लिया था।
ठीक है, इतनी चीज़ें, और ये सोसाइटी की प्रेसिडेंट 1907 में रहती हैं। अब एनी वेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी तो प्रेसिडेंट रहती है और पहली फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी रहती हैं। आप मुझे बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में एनी वेसेंट प्रेसिडेंट होती है, और आंसर आप करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है इतनी चीज़ें? और अगर आपको नहीं पता तो INC वाला जो वीडियो मैंने बनाया है उसको आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में, ठीक है। एनी वेसेंट ने फाउंडेशन स्टोन रखा था सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में 1898 में, ओके है जी, जिसमें हिंदू रिलीजन और वेस्टर्न जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं उनका एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। और उसके बाद यही जो कॉलेज था वो बेसिक फाउंडेशन स्टोन या बेसिक नींव बनता है, ओरिजिन बनता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का इन 1916। इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन और वुमेन्स एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द प्रार्थना समाज, ओके। सो प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? बॉम्बे में हुई 1876 में, ठीक है। किसने की थी? तो डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग ने की थी, ठीक है। अब इसके दो बहुत ग्रेट मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से? तो आप देखोगे महादेव गोविंद रनाडे, इनका नाम एग्जाम में पूछा जाता है, और इनका रिलेशन आप देखोगे प्रार्थना समाज से रहा है। इसके अलावा RC भंडारकर, तो RC भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे एसोसिएटेड रहे हैं प्रार्थना समाज से। प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई है, डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग ने की है 1876 में। मेन फोकस क्या था? सोशल रिफॉर्म था, इंटरकास्ट डाइनिंग, मतलब सभी जो जाति धर्म के लोग हैं वो साथ में बैठ के खाएं, इंटरकास्ट मैरिज, विडो रीमैरिज, जो आपका वुमेन है और डिप्रेस्ड क्लास है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना, ये इनके एजेंडा थे, ठीक है। अब महादेव गोविंद रनाडे जी ने कुछ सोसाइटी की स्थापना की है, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना इन्होंने की है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की है, और विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना 1861 में भी की गई है महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। डन इतनी चीजें। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन PYQs हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विवेकानंद लेफ्ट फ्रॉम शिकागो फ्रॉम मुंबई इन अ शिप, उस शिप का नाम क्या था? तो पेनिनसुला, ऑप्शन बी। दयानंद सरस्वती जी का ओरिजिनल नाम क्या था? तो मूलशंकर ओरिजिनल नाम था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देव समाज की स्थापना किसने की है? ये नया क्वेश्चन है। तो शिव जी देव है, शिव भगवान देव है ना, तो बस याद रख लो शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। इनका फोकस चाइल्ड मैरिज को रोकने पे था, ठीक है। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना कब की थी? 1887 में, जो पहले ब्रह्म समाज के फॉलोवर हुआ करते थे। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है देवशास्त्र, और देवशास्त्र में बेसिकली जो इस सोसाइटी की टीचिंग्स थी उसको कंपाइल करने का काम किया है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। कूका मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका मूवमेंट की शुरुआत की थी, पंजाब से यहाँ पे शुरुआत होती है 1849 में। और दो इम्पॉर्टेंट लीडर आपको कुका मूवमेंट के देखने को मिलते हैं, एक है बाबा बालक सिंह और दूसरे हैं भगत जवाहर मल, ठीक है। कुका मूवमेंट को नामधारी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली जो गुरुवाणी है, ठीक है, जो टीचिंग है गुरुओं की, उसको एक स्पेशल स्टाइल में ये लोग सुनते हैं, तो इसलिए इन्हें नामधारी मूवमेंट या कुका मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डन इतनी चीज़ें, ओके जी, चलो आगे बात कर लेते हैं। हु वर द लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज एंड द आदि ब्रह्मो समाज? तो यहाँ पे ब्रह्मो समाज और आदि ब्रह्मो समाज, जब ब्रह्म समाज का स्प्लिट हो गया था उसके बारे में बात की जा रही है। तो ब्रह्मो समाज किसने हैंडल किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। और आदि ब्रह्मो समाज किसने लीड किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, मैडम ब्लावस्की, ऑप्शन सी। चलो इसको अब मिलाते हैं हम। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जितना हमें ज्ञान है हम उसको मिला सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हो रही है, चलो बैटल ऑफ बक्सर तो हमने सिखा दिया है आपको, याद करो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हमने डिस्कस किया था। तो बैटल ऑफ बक्सर से हम पहुंच चुके हैं कि फोर्थ वन का, तो फोर्थ होगा, तो वन का फोर्थ होगा मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये दोनों तो एलिमिनेट कर दिए हमने, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, अबॉलिशन ऑफ सती, सती प्रथा को बैन करने का काम राजा राम मोहन रॉय ने किया था विद द हेल्प ऑफ विलियम बैंटिक, और ये कब हुआ था? 1829 में हुआ था। तो सती प्रथा को बैन मतलब बी का तो आपका थर्ड है, बी का थर्ड कहीं मिल रहा है? बी का थर्ड यहाँ है, मतलब आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने बुड डिस्पैच नहीं पढ़ा है,
तो हमको जितना हमें याद है, जितना हमें ज्ञान है, उसी से हमको सही करना पड़ेगा। हालांकि मैंने आपको विडो रीमैरिज एक्ट बताया है, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्या सागर जी ने इसको पास करवाया था 1856 में, तो ये भी हमें पता है। और बुड डिस्पैच जो है वो 1854 का है। तो इस तरीके से आप मिलान कर सकते हो, मैच कर सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट है सोम प्रकाश किसकी रचना है, मतलब ये न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था, सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश की रचना की थी किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है, 1859 की बात है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट और आर्य समाज की बातें की गई है, कौन सा मैच नहीं है। तो जब थोड़ी देर पहले ही मैं आर्य समाज के बारे में बातें कर रही थी तो मैंने कहा था इनका मैक्सिमम जो फोकस था वो रिवाइवल में था, ना कि रिफॉर्म में था, ठीक है, क्योंकि आर्यन कल्चर को या वेदों का ज्ञान वापस से रिवाइव करना चाहते थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की है, याद कीजिए मैंने बताया था आप लोगों को प्रीवियस क्लास में देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में, जिन्होंने तत्वबोधनी सभा की स्थापना की थी। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लोकहितवादी के नाम से हम गोपाल हरि देशमुख जी को जानते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सेट अप द मुक्ति मिशन इन पुणे, तो पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की थी, तो मुक्ति मिशन की स्थापना पुणे में की गई थी पंडिता रामाबाई के द्वारा। पंडिता रामाबाई, इन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी पुणे में 1898 में। बेसिकली जो गरीब महिलाएं थी और विडो महिलाएं थी उनको शेल्टर देने का काम किया जाता था। नेक्स्ट है बहुविवाह, इस पुस्तक की रचना किसने की है, इसको भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है छोड़ देते हैं हम, डन। तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और एक क्वेश्चन मैंने वीडियो के बीच में आपसे पूछा था जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है इतना। इसके अलावा एक स्टेटमेंट है, तिलक जी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में कहा है, क्या कहा है, भारत का हीरा, महाराष्ट्र का लाल और कार्यकर्ताओं का राजा, किसे कहा है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा है। किसने कहा है, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में यू नो दिख जाते हैं समटाइम्स।